हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 1 श्लोक संख्या 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखें जिसे आपके अति बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अपने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य की कमजोरी की तरफ इशारा करना चाह रहा है। आचार्य द्रोणाचार्य तथा द्रुपद के बीच में आपसी शत्रुता के कारण द्रुपद ने एक ऐसा यज्ञ किया जिससे उसे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो युद्ध में आचार्य द्रोणाचार्य के वध का कारण बने तथा यज्ञ की समाप्ति पर द्रुपद को धृष्टद्युम्न नामक एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो कि आचार्य द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बनेगा। बचपन में धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सीखने के लिए जब आचार्य द्रोणाचार्य के पास भेजा गया तब आचार्य द्रोणाचार्य ने यह सत्य जानते हुए भी धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल का संपूर्ण ज्ञान तथा शस्त्रों अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। दुर्योधन इस युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य की इसी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है तथा उन्हें यह कह रहा है कि आचार्य द्रोणाचार्य जरा भी असावधानी न बरतें, क्योंकि उन्होंने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सिखाते समय एक निष्पक्ष आचार्य की भूमिका अदा की थी तथा इस तरह वह यह भी इशारा कर रहा है कि उनके अन्य अनेक शिष्य जैसे अर्जुन जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, अर्जुन के प्रति मोह के कारण दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि आचार्य द्रोणाचार्य हो सकता है कि अपने संपूर्ण युद्ध कौशल से युद्ध न लड़े जिससे उसे पराजय का भय सता रहा था। अतः उसने आचार्य द्रोणाचार्य को सावधानी बरतते हुए यह बताया कि उन्हें अपने किसी भी शिष्य से किसी भी तरह का मोह रखने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें अपने संपूर्ण युद्ध कौशल से इस युद्ध क्षेत्र में लड़ना चाहिए ताकि दुर्योधन की इसमें विजय हो सके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।